दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 16 जनवरी और इस वीडियो में आपको देख ही रहा है कि येस बैंक के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। येस दोस्तों आपको येस बैंक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जो इसका टारगेट था 200 का इस वीक फाइनली अचीव कर लिया है और 200 की सीरीज में एंटर हो गया है। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। अगर इसमें बात करें अभी आज जो 16 जनवरी को जो इसने अचीव किया है 207 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 2.36% ये हाइक पर रहा, 2.36% का इसने गेन किया और जो हाई बनाया 210 के अराउंड इसने हाई बनाया। जो टोटल क्वांटिटी अब इस स्टॉक में आज ट्रेड हुई है 5,80,00,000 के अराउंड हुई। डिलीवरेबल क्वांटिटी 17.83% है, तो तकरीबन इंट्राडे इसमें अच्छा खासा है और दूसरे अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं इस स्टॉक में। तो इतने ज़्यादा डिलीवरेबल क्वांटिटी है नहीं इसमें। अब जो इसमें जो मेजर कंसर्न थे दोस्तों, जिसके चलते हुए बड़ी पॉजिटिविटी स्टॉक में दिख रही है, पहला तो जो चेयरपर्सन का था कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को मंजूरी दे दी आरबीआई ने और इन्हीं के जो इंटरनल जो था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसी को प्रमोट कर दिया गया एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो कि थे ब्रह्मदत्त। और दूसरा जो न्यू सीईओ की जो हायरिंग होने वाली है, अपॉइंट होने वाला है, उसको चलते हुए बड़ी पॉजिटिव इसमें चला हुआ है। और तीसरा जो इसका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, जिसको आप थर्ड क्वार्टर भी बोल सकते हो, उसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी न्यूज चली हुई है मार्केट में, जिसके चलते हुए काफ़ी अच्छा इस स्टॉक में गेन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ओपन चैन डेटा की, तो उसमें थोड़ा सा हमें स्टिक कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, मे बी आपको भी नज़र आ रही होगी अगर आप देख रहे हैं। अगर हम पहले पुट्स पे देखें 190 के स्ट्राइक प्राइस पे दोस्तों, तो पुट्स पे 3,00,000 का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और टोटल है 24,00,000 के अराउंड। अगर 200 के स्ट्राइक प्राइस पे देखें तो दोस्तों 200 के स्ट्राइक प्राइस पे 8,24,000 का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और टोटल है 24,90,000 माइनस 25,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और 210 के स्ट्राइक प्राइस पर भी इन द मनी भी 3,39,000 का ओपन इंटरेस्ट बड़ा है। तो पुट्स पे दोस्तों ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, थोड़ी सी सोचने वाली बात है। अगर यही चीज़ हम कॉल्स पे देखते हैं, कॉल्स पे अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 210 के स्ट्राइक प्राइस पे उस पे देखें तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो घटा है -10,000। अगर हम बात करें 200 के स्ट्राइक प्राइस पे, उसमें 8,85,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे कॉल्स के ऊपर, तो मोटे मोटे कोई भी आपको ऐसी क्वांटिटी नहीं दिख रही जिसको हम बोले। एक जो क्वांटिटी 260 की, उस पर हम देख सकते हैं कि 1,00,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा है, नहीं तो बाकी तो हज़ारों में है जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट घटा है, नहीं तो बाकी सारे माइनस 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 नज़र आ रहे हैं आपको, तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो अगर आज की बात करें तो आज पब्लिक का जो रुझान गया है वो गया है पुट्स के ऊपर, तो पुट्स के ऊपर खरीदारी बढ़ी है ना कि कॉल्स के ऊपर, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, इसको आप सोच के चल सकते हो इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्शन पर। जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है दोस्तों येस बैंक का, उसका जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो बड़ा पॉजिटिव प्रेडिक्शन किया जा रहा है। 14% उसमें हाइक देखने को मिल सकता है प्रॉफिट में, जो कि शेर खान के सोर्स से मालूमात हो रहा है, इनके सोर्स से पता लग रहा है, इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया है वो बताया जा रहा है। जो शेर खान का प्रेडिक्शन, जो कि ब्रोकरेज फर्म है, उनका प्रेडिक्शन है कि 14% ये हाई प्रॉफिट दिखाने वाला है, 14% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा इसमें ईयर ऑन ईयर, क्योंकि 1,228 करोड़ का ये बता रहे हैं जो प्रॉफिट है। और नेट इनकम तो इनकी इंटरेस्ट इनकम है एक्सपेक्टेड की जा रही है इंक्रीज बाय 41.7% ईयर एंड ईयर, जो कि एक्सपेक्टेड की जा रही है, बिकॉज इनकी अगर हम देखें तो ईयर एंड ईयर अच्छी खासी इनकम इनकी इंक्रीज हो रही है। ये क्वार्टर रिजल्ट मैंने निकाले हुए हैं सितंबर, जून, मार्च, दिसंबर 17, सितंबर 17। अगर इसमें आप देखोगे, ये देखो कंटिन्यू इनकी इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हो रही है दोस्तों, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको प्रीवियस क्वार्टर की इनकम, अगर मैं करंट की अगर सितंबर की देखूँ तो सितंबर क्वार्टर की इंटरेस्ट इनकम आपको प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा ही मिलेगी। कहीं भी आपको अभी तक अगर 5 क्वार्टर्स का मैं डाटा निकालूँ तो उसमें लोअर देखने को नहीं मिल रही, जिसके चलते हुए जो शेर खान का प्रेडिक्शन है वो बड़ा पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। और
अगर डाटा देखे तो डाटा यही स्पीक कर रहा है, तो यही बोल रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट कब आने वाला है दोस्तों? रिजल्ट आने वाला है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को इसका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, जिसके चलते हुए और इसमें थोड़ी उछाल देखने को मिलेगी। बट जो ओपन चेन का डाटा है वो थोड़ा सा इसमें पुट के ऊपर फोकस कर रहा है, ना कि कॉल्स के ऊपर, तो उसका थोड़ा सा देखना होगा। जो तीसरा है वो है ये सीईओ को लेकर। सीईओ को लेकर जो रेस में अभी जो सोर्स से इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसमें दो ही पर्सन है, एक तो रवनीत गिल और दूसरे रजत मोंगा। रजत मोंगा यस बैंक के इंटरनल पर्सन है और रवनीत गिल आउटर साइड से हैं, जो कि आप डोयस भी बोल सकते हो, डच बैंक भी बोल सकते हो, जो कि जर्मन का बैंक है, जर्मनी बैंक है। और उसमें ये एज ए सीईओ पर्सन है, इंडिया के एज ए सीईओ पर्सन है, जो इंडिया में जो टैकल कर रहे हैं, इंडिया में जो बिजनेस चल रहा है इसका, उसमें एज ए सीईओ पर्सन है ये। और इनका आउटर साइड का जो जर्मनी का देखे तो उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसके पास, जिसके चलते हुए इनकी जो प्रायोरिटी है सिलेक्शन की वो ज़्यादा बताई जा रही है एज़ कम्पेयर टू रजत मोंगा, और जिसके चलते हुए थोड़ी पॉजिटिविटी और इसमें छाई हुई है दोस्तों। तो अभी मीन वाइल ये सारी चीज़ें येस बैंक में चल रही है, इसके अलावा अभी कोई नई चीज़ निकल कर नहीं आई। तो नेक्स्ट वीक नई चीज़ें जो निकल कर आएंगी वो आएंगी, फर्स्ट तो आपका क्वार्टर रिजल्ट, और सेकंड में भी आपका जो न्यू सीईओ है वो फाइनलाइज कर दिया जाए कि इनमें से होगा कौन। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।